अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ दोपहर में लंच। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। साथ साथ मैंने कहा चलिए जी आपसे शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी और आपसे बातें शातें करते हैं साथ साथ। और बताएं आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों के घरों में आज क्या क्या बना है? किचन में खड़ी थी, मैंने अभी बस प्याज चॉप किए हैं हैंड चॉपर में। अब मैंने टमाटर और इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, ये चॉप करूँगी। चिकन अभी वॉश हो रहा है, फिर इसमें ऐड करेंगे चिकन और साथ साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी अब इसमें ऐड हो रहा है चिकन। चिकन ऐड हो रहा है कूंडी में, मैं इसको पीस रही हूँ लहसुन और अदरक को। ये भी मैंने चॉप कर लिया हल्का फुल्का जितना हो सका हाथ वाले चॉपर से, ये भी कर लिया। और इसको करते हैं मिक्स। ये देखिए लहसुन अदरक में ऐड कर दिया, ये 2 kg है चिकन। अब इसमें ऐड कर दिया है टमाटर और सब्ज़ी मिर्चें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक मिर्च, ये देखें जी ये जा रहा चम्मच, 1 चम्मच सॉरी नमक, थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। नमक बहुत कम खाते हैं सारे। ये है सिर्फ मिर्च, 2 चम्मच इसके ऐड करेंगे, 2 चम्मच थोड़ी सी और ऐड करूँगी, थोड़ी सी ये, और जाएगी हल्दी, ये हल्दी 1/2 टीस्पून चली गई। इसको करूँगी मैं मिक्स। सूखा धनिया भी मैंने ग्राइंड करना है, वो भी मैं देखती हूँ निकाल के लाती हूँ सूखा धनिया बॉक्स में से। ये देखें जी इसमें मैंने दही ऐड कर दिया, दही फ्रिज में था थोड़ा सा, ये वो क्या कहते हैं फ्रीज हुआ था, तो मैंने कहा चने जी इसी में मेल्ट हो जाएगा। अभी भुनाई हो रही है, ये देखें अब सारा टूट रहा है, मैं बस टूट गया ये सारा, ये देखें। अब इसकी करूँगी भुनाई थोड़ी सी और, फिर हल्का सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा गलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, मक्खन और वो ज़ीरा, गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखें लुक्स वेरी यम्मी, बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी, बहुत टेस्टी। देखें बहुत प्यारा कलर आ रहा है इसकी भुनाई का। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर गैस का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आती तो मैंने इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाना था, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह किसी दिन। सब्ज़ मिर्च का कलर कितना प्यारा आ रहा है, वाइट ही सब्ज़ मिर्चें और रेड रेड का कलर हांडी का, बहुत प्यारा कम्बो लग रहा है। मक्खन ऐड कर दिया इसमें, अब इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करूँगी ताकि ये जल्दी से हो जाए, गैस जाने वाली है। फिर मैं हरा धनिया गरम मसाला ऐड करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें जी सालन की फाइनल लुक, मक्खन मैंने ऐड कर दिया था, अब हरा धनिया गरम मसाला भी ऐड कर दिया। तो बताइएगा आपको मेरी आज की ये रेसिपी दोपहर का लंच कैसा लगा,
ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय का इजहार दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने फैमिली फ्रेंड दोस्तों में ज़रूर वीडियो शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता चले आप लोग देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।